क्या है आज का बड़ा खुलासा, पीएम मोदी ने युवाओं के लिए क्या बड़ा कदम उठाया, जानिए इस वीडियो में। अगर आप भी नौकरी के लिए दर बदर घूम रहे हैं या एक अच्छी नौकरी पाने के लिए परेशान हैं, तो आपके लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक खुशखबरी दी है। रोजगार, हमारा देश इस समय सबसे जवान और युवा देश है, जहाँ 65% इंडियंस जो हैं वो 35 साल से कम आयु के हैं। ये कम उम्र के जोशीले नौजवान अपनी पढ़ाई पूरी करते ही नौकरी पाने के लिए न जाने कितनी जगह अप्लाई करते हैं और कितनी जगह से हताश होकर लौट के आते हैं। कई जो सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं वो हर साल DSSB, SSC या UPSC के फॉर्म भरते हैं, लेकिन लाखों में से कुछ हजारों को ही नौकरी मिल पाती है और बाकी मुंह लटकाए फिर से अगले साल का इंतजार करते हैं। और ऐसे ही ना जाने वो कितने सालों तक एग्जाम देते रहते हैं और उसके बावजूद भी उनको नौकरी नहीं मिलती, लेकिन इससे उनके कई साल खराब हो जाते हैं और फिर वो ना ही वो प्राइवेट नौकरी के काबिल रहते और ना ही उन्हें सरकारी नौकरी मिल पाती। और जो प्राइवेट नौकरी की तलाश में निकलते हैं उन्हें जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलती और वो कभी भी निकाले जाने के डर में जी हजूरी करते हैं। पर अब घबराइए नहीं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं तो अच्छे दिन कैसे नहीं आएंगे। पीएम मोदी ने अपनी सरकार में रोजगार मेले में शरीक हुए और अपने देशवासियों युवाओं की गंभीरता को समझते हुए एक सरप्राइज दिया। क्या है ये सरप्राइज, बताएंगे आपको इस इंटरेस्टिंग टीवी की इस वीडियो में। पूरी खबर जानने के लिए वीडियो एंड तक देखें ताकि आप किसी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से बेखबर ना रह सके। देश विदेश खेल और अन्य लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे इंटरेस्टिंग टीवी पे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूलना। या कांग्रेस मोदी जी पर आरोप लगा रही है कि वह रोजगार मेले में स्वयं रोजगार देके क्या साबित करना चाह रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मोदी जी इस बात को एक तरफ रख के कई हजार अपॉइंटमेंट लेटर्स युवाओं को बांट रहे हैं। ट्यूजडे को रोजगार मेले में मोदी जी ने अपने मिनिस्टर्स को देश में 45 लोकेशन पर भेजा और खुद वो उन सभी जगह पर वर्चुअली उपस्थित रहे और उन्होंने वर्चुअली 71,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं को बांटे। जी हाँ दोस्तों, मोदी जी हर जगह उपस्थित नहीं रह सकते, इसीलिए उन्होंने वर्चुअली उनसे बात की और अपने मिनिस्टर्स द्वारा उनको फिजिकली ऑफर लेटर्स उनके हाथों में थमाए। ये बीजेपी सरकार के प्रॉमिस के तहत कि वो 10 लाख रोजगार प्रदान करेंगी, अभी शुरुआती तौर पे उन्होंने 71,000 यानी 71,000 से श्री गणेश किया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सवाल उठा रही है कि 10 लाख में से बस 71,000 पर शुरुआती तौर पे आंकड़ा बहुत अच्छा है, बीजेपी का कहना है। इन नए चयनित रंगरूटों को कर्मयोगी प्रारंभम के माध्यम से खुद को प्रशिक्षित करने और खुद को आगे बढ़ाने का अवसर भी प्रदान किया जाएगा, जो एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स है जो विभिन्न सरकारी विभागों में सभी नए रंगरूटों को पढ़ाता है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने नए बढ़ते सुधारों की प्रशंसा की और उन्हें भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को खत्म करने का श्रेय दिया। उन्होंने नई भर्तियों को उनकी नियुक्तियों पर बधाई दी और युवा सशक्तिकरण के प्रति सरकार के रुखों को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजगार मेले का अस्तित्व ही उस लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति सरकार के संकल्प और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। पीएम मोदी ने बताया कि रोजगार को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता में रूप पूंजीगत व्यय और बुनियादी सुविधाओं में 34 ट्रिलियन का निवेश किया गया है। इस वर्ष इसी तरह के अवसर पैदा करने के लिए बजट रुपए पर आवंटित किया गया है 10 ट्रिलियन। मोदी ने तब 40,000 किलोमीटर रेल लाइनों के विद्युतीकरण द्वारा की गई प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होंने मेट्रो रेल नेटवर्क के तेजी से विस्तार के साथ साथ कुशल सड़क नेटवर्किंग के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी की ओर इशारा किया। प्रधानमंत्री ने अवसरों का लाभ उठाने और राष्ट्र के विकास में मदद करने के लिए भर्तियों पर जोर देकर संबोधन को बुक किया। 45 स्थानों पर आयोजित होने वाला रोजगार मेला एक ऐसा आयोजन है जहां नौकरी चाहने वाले और नियोक्ता एक स्थान पर एक साथ आते हैं। रोजगार के अवसर केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं जो इस पहल का समर्थन करते हैं। इस कार्यक्रम में पीएम के संबोधन में देश भर से चुने गए
नए रंग रूट शामिल हुए। इन भर्तियों को डाक सेवक, प्रिंसिपल, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट्स क्लर्क, ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, लोअर डिवीजन क्लर्क, सब डिवीजन ऑफिसर, टैक्स असिस्टेंट, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, नर्सिंग ऑफिसर, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, फायरमैन, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, डिविजनल अकाउंटेंट, ऑडिटर, असिस्टेंट कमांडेंट, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य। रोजगार मेले के साथ सरकार का लक्ष्य रोजगार सृजन और सृजन को प्राथमिकता देना है। मेले का उद्देश्य देश के युवाओं को सशक्त बनाना है और बाद में इन युवाओं को अवसर प्रदान करके और राष्ट्रीय भागीदारी के द्वार खोलकर राष्ट्र का विकास करना है। मेला 18 से 35 वर्ष के जनसांख्यिकीय को लक्षित करता है। शैक्षणिक योग्यता 8वीं, 10वीं, 12वीं पास, ITI, डिप्लोमा, स्नातक आदि के साथ सरकार देश भर में फैले प्रिंट विज्ञापनों के माध्यम से इस जनसांख्यिकीय तक पहुंचती है। थोक SMS भेजे जनसांख्यिकीय, सोशल मीडिया आदि। सरकार युवाओं को आगे बढ़ाने और भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए रोजगार मेला की जिलों में और उसके आसपास कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर नियमित कार्यशालाएं भी आयोजित करती है। इस कार्यक्रम के साथ कौशल मेला भी था, जो युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण करने की अनुमति देता है। नौकरी चाहने वालों के लिए परामर्श सत्रों की भी व्यवस्था की गई थी। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी और हमारी सरकार कई सारे ऐसे कदम उठा रही है जिनसे हमारे युवाओं को ही नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति को जो काम करना चाहता है या किसी भी प्रकार का रोजगार चाहता है, उसके अंदर पढ़ाई से लेकर स्किल डेवलपमेंट भी कर रही है, ताकि ऐसा ना हो कि सिर्फ डिग्री और पढ़ाई के माध्यम से ही वो नौकरी तलाशता रहे, बल्कि हर युवा के अंदर वो स्किल होनी चाहिए जिसकी वजह से वो कभी भी और कहीं भी उस स्किल की वजह से काम ढूंढ सके और काम कर सके। क्योंकि दोस्तों, आज की डेट में हुनर ही ऐसी चीज है जो आपको एक परमानेंट रोजगार दे सकता है। उम्मीद करता हूं कि आप भी अपने स्किल डेवलपमेंट पे और अपनी पढ़ाई पे उतना ही जोर दे रहे होंगे जितना कि जोर देना चाहिए। आशा करता हूं कि आप सब भी अपनी जिंदगी में कभी ना कभी अपनी मनपसंद नौकरी तलाशें और एक अच्छा जीवन व्यतीत करें। तो क्या कहना है आपको इन नई रोजगार के बारे में? आपको भी लगता है कि आपका भी नाम कभी ना कभी इस रोजगार मेले में आ सकता है? आप भी सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं या फिर आप भी किसी प्रकार की नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसी लगी आपको ये वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।